और अब आगे विकास करना, काम करने की उन्होंने ठान रखी है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के लिए भ्रामक दावों के आरोपों में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि हमारे नोटिस के बावजूद पतंजलि ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्यों ना पतंजलि और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ अवमानना केस चलाया जाए। उस वक्त केंद्र ने कोर्ट से कहा मामले में नया हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसकी कोर्ट ने इजाजत दी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पहले दाखिल हलफनामे की वापस लेने की इजाजत भी दी थी। हालांकि रामदेव और बालकृष्ण ने हलफनामा दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है और अब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए बाबा रामदेव। और संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार पेश हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। 10:30 बजे जज सुनवाई के लिए बैठ जाएंगे। पहला ही आइटम बाबा रामदेव का है, लेकिन ये जो विवाद है वो आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथ का विवाद है, जिसमें भ्रामक विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव को तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी इस बात में जाहिर की थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी तो सुनवाई के दौरान हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा हलफनामा दाखिल ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। और नाराजगी इस बात पर भी जाहिर की कि जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो बावजूद इसके पतंजलि आयुर्वेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्यों किया। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि आयुर्वेद के एमडी हैं और बाबा रामदेव को तो कॉज नोटिस जारी किया गया था और कोर्ट ने ये पूछा था कि आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए। बहरहाल दोनों लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके माफी मांग ली गई है, लेकिन बावजूद उसके उनको पेश होने का आदेश था तो वो लोग कोर्ट में पेश हुए हैं। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आदेश जारी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज्यादा थी, इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को पेश होने का आदेश दिया गया। जी बिल्कुल, माफी भी हालांकि मांग ली गई थी, हलफनामा पेश नहीं किया गया था मौके पर। और जिस तरीके से बोला गया कि क्या कोई अलग से क्यों ना इस पर चार्ज किया जाए। सुशील, आज जब वे पहुंचे हैं पेश होने के लिए, उस दौरान क्या कोई बातचीत हुई उनसे? जी देखिए, जब वो पेश हो रहे थे तो उन्हें कड़ी सुरक्षा में, पुलिस की सुरक्षा में उन्हें पेश किया गया। मीडिया के कई कैमरे उनकी तरफ थे, उनसे सवाल जवाब किया भी गया, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट की प्रोसीडिंग को लेकर है और जिस तरह बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पहले कंडक्ट किए हैं, मुझे लगता है उसी कंडक्ट का को सोचते हुए उन्होंने फिलहाल मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। लेकिन उम्मीद जरूर है कि जब फिलहाल इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी तो जरूर मीडिया से ये लोग बातचीत करेंगे। कोशिश हमारी भी यही रहेगी कि हम उनसे सवाल जवाब करें कि बिल्कुल बिल्कुल। सुशील, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो फिलहाल जब अभी पहुंचे हुए हैं बाबा रामदेव और